हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्वाति। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रॉयल सोया चाप की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। थोड़े से टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जिसे आप फॉलो करके रेसिपी बनाएंगे ना तो बाहर की सोया चाप खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं रॉयल सोया चाप बनाना। मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ में जो बेल बटन है ना उसको भी हिट कर दें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 250 ग्राम्स के लगभग सोया चाप स्टिक्स ली हैं। ये लोकल मार्केट में भी मिल जाती हैं और सुपरमार्केट में भी आराम से मिल जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको स्टिक्स को रिमूव करना है। आप चाहें तो डायरेक्टली इस तरह से स्टिक्स को रिमूव करके इसे कट कर सकते हैं। मैं स्टिक्स के साथ ही इसे इस तरह से कट कर रही हूँ। छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। सबसे पहले इसे गर्म पानी से अच्छे से धोना ना भूलें। देखिए, छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है। तो अब हमको इनको डीप फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को गरम कर लिया है। जब तेल अच्छा गरम हो जाए, मीडियम फ्लेम पे हमको इनको फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे ना करें, नहीं तो ये बाहर से ज़्यादा सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पे इनको हमको फ्राई करना है। तेल में डालते ही तुरंत इसे ना हिलाएं, 1 से 2 मिनट तक इनको फ्राई होने दें। जब ये नीचे से हल्के से ब्राउन होने शुरू हो जाएं, उसके बाद ही इनको पलटें। सोया चाप हाई प्रोटीन रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को खिलाएं। ये बहुत ही हेल्दी होती है और टेस्टी तो बहुत ही होती है। तो एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से ट्राई करके ज़रूर देखें। नीचे से हल्का हल्का ब्राउन कलर आने लगा है, तो अब हम इनको थोड़ा सा पलट देते हैं और उलट पलट के अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई होने देते हैं। देखिए, अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, तो इनको हम निकाल लेते हैं। अब इसी तेल में हमको ये अनियन जो है वो फ्राई करने हैं। हमको फ्राइड अनियन बनाने हैं, तो मैंने 4 जो प्याज हैं उनको स्लाइस में कट कर लिया है और इसी तेल में मैं इनको डाल दूंगी। एक बार देखने में आपको अनियन काफ़ी सारे लग रहे होंगे, लेकिन ये फ्राई हो गए बिल्कुल थोड़े से रह जाएंगे। तो फ्लेम को मीडियम रखते हुए इनको हमको डीप फ्राई करना है, जब तक कि गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। इसी से ग्रेवी का ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो लगातार इसे चलाते रहें जब तक गोल्डन ब्राउन कलर के हमारे अनियन नहीं हो जाते। फ्राइड अनियन को हम बिरयानी में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ाने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जब तक अनियन फ्राई हो रहे हैं, हम इनको मैरिनेट कर लेते हैं चाप को। तो इसके लिए 1/2 कप दही डाला है मैंने, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी और थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और भुना हुआ जीरा डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनको। ये देखिए, चाप को हमको मैरिनेट करना है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद 1/2 घंटे के लिए हमको इसको फ्रिज में रखना है। तो यहाँ पे हमारे जो प्याज हैं वो गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। इस प्रोसेस को करने में 10 से 12 मिनट हमको लग जाएंगे, ये देखिए। तो चलिए इनको एक बाउल में अलग निकाल लेते हैं। अब उसी ऑयल में थोड़ा सा ऑयल कम कर देते हैं, 1/4 टीस्पून डालेंगे हींग और 1/2 टीस्पून डालेंगे जीरा और साथ ही अच्छे टेस्ट के लिए डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले, 3 से 4 डालेंगे लौंग, हरी इलायची, 1 दालचीनी के स्टिक और काली इलायची आधी। इन सबको भी अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद मैंने ये डाली है 2 हरी मिर्च थोड़ी सी बारीक काट के और थोड़ा सा डाला है अदरक। इसके साथ ही 8 से 10 कलियां हम डाल देंगे लहसुन की और साथ ही साथ इतने ही हम डाल देंगे काजू ग्रेवी का टेस्ट बढ़ाने के लिए। इन सबको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम ही रखा है। अब हम डालेंगे 4 मीडियम साइज के टमाटर, जिनको मैंने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया था ताकि ये जल्दी गल जाएं। इन सारी सब्जियों को हमको अच्छे से पकाना है ताकि बाद में हम इनकी ग्रेवी बना सकें। फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है। 2 मिनट के लिए तेज आंच पर ही इनको पकने देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड कर देते हैं। 1/2 टीस्पून डालेंगे नमक और 1/2 टीस्पून डालेंगे हल्दी। अच्छे से मिला देंगे और फ्लेम को मीडियम रखते हुए ही 5 मिनट के लिए इनको ढक के पकाएंगे ताकि टमाटर हमारे जल्दी से गल जाएं। ये देखिए गाइस, टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं, सारी सब्जियां अच्छे से गल चुकी हैं। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं।
थोड़ा सा जैसे ही मसाला ठंडा होता है इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल के अच्छे से इसका पेस्ट बनाएंगे। तो लीजिए हमारा मसाला ठंडा हो चुका है, तो इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल देते हैं। साथ में हमने जो ब्राउन अनियन पहले फ्राई करके रखे थे ना वो भी डाल देंगे और इन सबको मिला के एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, ये देखिए पेस्ट हमारा बिल्कुल तैयार है। तो चलिए तड़का लगाते हैं। एक पैन में लेंगे 1 टेबलस्पून तेल, तेल जैसे ही गर्म होता है इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे और 1 स्लाइस किया हुआ अनियन डालेंगे। इसको हल्का सा फ्राई होने देंगे जब तक ये प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। ये देखिए प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, तो इसमें हम अपना पेस्ट किया हुआ जो मसाला है वो मिला देंगे। ये देखिए अब हमको मसाले को और सेपरेट होने तक भूनना है, क्योंकि हम पहले मसाले को भून चुके हैं तो बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा पानी मिला देंगे। आप देख सकते हैं ग्रेवी का बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे धनिया, भुना हुआ जीरा, 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। सबको अच्छे से मिला देंगे मसाले के साथ और लगातार इसे पकने देंगे मसाले के साथ। 1/2 कप यहाँ पे हम पानी डाल देंगे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए। ये देखिए अब रेस्टोरेंट वाला टेस्ट लाने के लिए मैं यहाँ पे ऐड करी हूँ 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस। साथ में डाल देंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी को अच्छे से क्रश करके। यहाँ पे हमारा मसाला लगभग भुन चुका है, तो यहाँ पे जो मैरिनेट करने के लिए हमने चाप को फ्रिज में रखा था उसे ऐड कर देंगे। अच्छे से मिला देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है गाइस, ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को आप देख रहे हैं, दिखने में ये बहुत ही अच्छी लग रही है। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम ही रखा हुआ है। यहाँ पे 1/2 कप पानी हम और डाल देते हैं और ढक के 5 से 7 मिनट तक इसको पकने देते हैं ताकि चाप जो है वो मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए गाइस ग्रेवी जो है वो अच्छे से पक चुकी है। चाप हमारी पहले से मैरिनेट की हुई थी, डीप फ्राई की हुई थी, सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है। इसको फ्रेश धनिया के साथ गार्निश करेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे 1/4 कप फ्रेश क्रीम। क्रीम मिलाने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लास्ट में और पकाएंगे ताकि क्रीम जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए ग्रेवी में। ये देखिए 5 मिनट तक और पकाने के बाद गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसको ढक के रख देंगे। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म परांठे या नान के साथ। तो ये तैयार है हमारी रॉयल सोया चाप की रेसिपी। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन प्रेस कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो वो भी कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो जल्दी मिलेंगे ऐसी और भी नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।